नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड आजमगढ़, निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू इलेवंथ, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के सहयोग से आईआईटी और नीट की तैयारी, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरा पट्टी आजमगढ़, एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9, साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली बाजार आजमगढ़, एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11, जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लासेज 9 एंड 11, सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर मोहल्ला में गुरुवार को सुबह करीब 7 बजे इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने एक गल्ला व्यापारी के घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि पहाड़पुर निवासी गल्ला व्यापारी मनोज गुप्ता के घर पर इनकम टैक्स के अधिकारी वाहनों से पहुंचे। इस दौरान अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। घर में प्रवेश करते ही गेट को बंद कर दिया गया। अधिकारी व्यापारी के घर के अंदर मौजूद सभी दस्तावेजों की जांच पड़ताल में लगे हुए थे। अधिकारियों की छापेमारी के चलते पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही। लोगों में तरह तरह की चर्चा रही। हालांकि अभी मामले में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई। कई घंटे से कार्रवाई जारी रही। बताया जा रहा है कि मनोज गुप्ता एफसीआई से जुड़कर चावल और गेहूं की खरीदारी बड़े पैमाने पर करते हैं। इसी प्रकार लालगंज के गोला बाजार में राजेश साहू पुत्र जोखन साहू के घर पर भी पुलिस फोर्स के साथ सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंचकर कार्रवाई की। मार्च के माह में इनकम टैक्स विभाग के द्वारा इस छापेमारी को वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को लेकर भी देखा जा रहा है। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के बाग लखराव में गुरुवार की सुबह विपक्षी के द्वारा कॉल कर बुलाने पर घर मिलने के लिए गए पूर्व प्रधान विजय चंद के पुत्र 40 वर्षीय पंकज कुमार को लाठी डंडे व लोहे की रॉड से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जानकारी होने पर परिजन गंभीर रूप से घायल को आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया। गांव में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात कर दी गई। बता दें कि पंकज LIC का काम करके परिवार की जीविका चलाते थे। घर से कुछ दूर स्थित विपक्षी जंग बहादुर के घर काफी दिनों से आना जाना लगा था। वर्तमान प्रधान आसिफ अहमद ने बताया कि गुरुवार को दिन में लगभग 11 बजे ने जंग बहादुर के लड़कों ने पंकज को अपने घर बुलाया था। कुछ देर बाद किसी बात को लेकर विपक्षी अपने परिवार के साथ पंकज को लोहे की रॉड से मारने लगे। मारपीट की सूचना पर पहुंचे स्थानीय व परिवार के लोग ने बीच बचाव कर पंकज को घायलावस्था में शहर के एक हॉस्पिटल ले गए, जहां पंकज को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि मामला गांव का इसको देखते हुए गांव में फोर्स तैनात कर दी गई। सिधारी थानाध्यक्ष योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि घटना किन कारणों से हुई मामले की जांच की जा रही है। सुनते हैं गांव के वर्तमान प्रधान ने क्या जानकारी दी। मौके पे मामला पता नहीं क्या हुआ था। ये जंग बहादुर के लड़के इनको फोन करके बुलाए थे, ये उनके घर गए हुए थे। अब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। गुरुवार को नगर के बिहारी जी मंदिर में शुद्धाद्वैत संप्रदाय के कृष्ण भक्तों द्वारा फूलों व अबीर से जमकर होली खेली गई। रंग भरी एकादशी के उपलक्ष्य में प्रभु श्री कृष्ण के साथ बिहारी जी मंदिर में भक्तों ने होली खेलते हुए पर्व का उत्सव समारोह पूर्वक मनाया। जनपद की वैष्णव गोपियों ने आरती के उपरांत फूलों व अबीर की होली झूमते नाचते व गाते हुए खेली। समारोह में भारी संख्या में गोप व गोपियों मौजूद रहीं। सत्यनारायण भाग्य करे
महोत्सव को लेकर सुबह से ही श्रद्धालु बिहारी मंदिर पहुंचने लगे थे, जिसमें सबसे अधिक महिला श्रद्धालुओं की संख्या देखी गई। श्रद्धालु भजन एवं कीर्तन के बाद फूलों की होली का आनंद उठाएं, जिसमें लोगों पर फूलों की पंखुड़ियां बिखेरा गया तथा एक दूसरे से गले लग उन्हें होली की बधाई दी गई। आज रंगभरी एकादशी के उपलक्ष में भगवान के साथ सब लोग फूलों की होली और अबीर की होली खेलता है। यहाँ की परंपरा है कि रंगभरी एकादशी को अबीर और फूल की होली होती है। उस उपलक्ष में सारे वैष्णव गोपियाँ, हम लोग सारी ब्रज की गोपियाँ, सारी आजमगढ़ की गोपियाँ फूल और अबीर से भगवान के साथ होली का उत्सव मनाते हैं। सारी आजमगढ़ की अग्रवाल महिलाएं, हमारी जितनी भी भाभियाँ हैं, जितनी वैष्णव हैं, सब लोग इसमें शामिल होती हैं और सब आकर भगवान के साथ अबीर, गुलाल और फूलों से होली खेलते हैं और बहुत ही आनंद लेते हैं। और विगत 5 वर्षों से ऐसा आयोजन किया जा रहा है हमारे बिहारी जी के प्रांगण में। होली के रसिया का भजन भी होता है, आनंद आता है, सब लोग तरह तरह के विभिन्न प्रकार के। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ संसदीय सीट से टिकट मिलने के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह का उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ की क्रांतिकारी सजमी को नमन करता हूं, यहां की माटी को चंदन के रूप में अपने माथे पर लगाता हूं। इस क्षेत्र के लोगों ने नेताजी के मान सम्मान, स्वाभिमान, समाजवादी विचारधारा, पार्टी की सोच को जो ताकत दी है, ऐसी शानदार सजमी की सेवा का अवसर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। यह यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, मैं उनकी उम्मीद पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। आजमगढ़ की तरक्की, खुशहाली और विकास का समाजवादियों के साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है, नेताजी ने आजमगढ़ को विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने की शुरुआत की थी। मैं आज यह फक्र के साथ कह सकता हूं, आजमगढ़ की विकास की हर एक एक ईंट पर या तो नेताजी का या फिर अखिलेश यादव जी का योगदान है। चाहे आजमगढ़ को मंडल बनाने की बात हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ना ही या फिर पीजीआई बनाना हो। बीजेपी सांसद निरहुआ ने तंज कसा था कि अखिलेश यादव जीतकर और धर्मेंद्र यादव हारकर आजमगढ़ से भाग गए थे। इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि निरहुआ कलाकार हैं, दूसरे क्षेत्र से राजनीति में आए हैं, उनके सामने जो एक परंपरा होती है कलाकार की, उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है, इस स्क्रिप्ट पर वह चलते हैं, उन्हें समाजवादी परंपरा का एहसास नहीं है। समाजवादियों ने ना कभी आजमगढ़ को छोड़ा था, ना आगे छोड़ेंगे, इस बात का एहसास निरहुआ को नहीं हो सकता है क्योंकि वह राजनीति स्क्रिप्ट के आधार पर करते हैं। कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पीडीए और इंडिया गठबंधन के फॉर्मूले के आधार पर एनडीए को हराने का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर चलकर आजमगढ़ की सजमी से जहां अक्सर समाजवादियों को एक तरफा समर्थन मिला है, कहा कि हमारे 10 विधायक हैं, गुड्डू जमाली जी की कमी थी, वह भी हमारे साथ आ गए हैं, आज उनकी भी दुआएं हमारे साथ हैं। न सिर्फ आजमगढ़ सदर बल्कि बगल की लालगंज सीट पर समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करेगी। सपा प्रत्याशी ने इस बात से इनकार किया कि बीजेपी सांसद निरहुआ ने आजमगढ़ का विकास किया है। कहा कि जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने आए थे, उस एयरपोर्ट पर आदरणीय नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार उतरे हैं। नेताजी और अखिलेश यादव जी ने चीनी मिल का उद्घाटन किया ही था, एयरपोर्ट का उद्घाटन भी उसी समय हुआ था। कहा कि अखिलेश यादव जी ने कन्या विद्या धन की शुरुआत हवाई अड्डे के बगल से विशाल जनसभा में किया था। जो काम 10 साल पहले हो चुका हो, अगर उसी के ऊपर पत्थर लगाना हो, उसी का उद्घाटन करना हो तो कर सकते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि आजमगढ़ के 10 विधायकों की जीत में उनकी पार्टी का योगदान है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उनके भरोसे घोसी में दारा चौहान भी थे, क्या हाल हुआ सबको पता है।
सपा प्रत्याशी ने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूं कि बदायूं में मैं घर बना कर रहा हूं और यहां भी मेरे आने से पहले घर बन रहा है, इसलिए यही रहूंगा और इसी घर में रहकर क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। आजमगढ़ की आवाज को देश के संसद में उठाऊंगा। धर्मेंद्र यादव ने बदायूं की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा कि बदायूं की घटना पर सवाल बीजेपी से करना चाहिए जो बेहतर कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं। सबसे पहले आजमगढ़ की क्रांतिकारी समाजवादी सरजमी को नमन करता हूं, यहाँ की माटी को अपने माथे पर चंदन के रूप में लगाकर इस क्षेत्र के लोगों को जो लगातार सदैव नेताजी के मान सम्मान स्वाभिमान समाजवादी विचारधारा पार्टी की सोच को ताकत दी है आजमगढ़ के लोगों ने, ऐसी शानदार सरजमी की सेवा का मुझे अवसर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, यहाँ के क्षेत्र के हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने नेताओं ने, मैं सभी को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये यकीन और भरोसा दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये फैसला लिया, हमारे स्थानीय नेताओं ने ये फैसला लिया, मैं सभी की उम्मीदों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। आजमगढ़ का जो तरक्की खुशहाली और विकास का समाजवादियों के साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है, सदैव नेताजी ने आजमगढ़ को न केवल विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने की शुरुआत की थी, बल्कि मैं आज फख्र के साथ इस बात को कह सकता हूं, आजमगढ़ की विकास की एक एक ईंट पर या तो सदैव नेताजी का या माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लिखा हुआ है। आजमगढ़ को मंडल बनाने का सवाल हो, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जोड़ने से का सवाल हो, आजमगढ़ को पीजीआई लाने का सवाल हो, आजमगढ़ के अंदर जिस भी विकास और तरक्की की हवाई अड्डे से लेके आप चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि सदैव नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने ही इसकी शुरुआत ही नहीं की, बल्कि आजमगढ़ को विकास के रास्ते पे ले गए। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा अन्याय अत्याचार को अस्वीकार किया है और उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर जंग की कहीं शुरुआत होती है तो ये आजमगढ़ की ही सरजमी है, जहाँ पूर्वांचल के प्रवेश द्वार के तौर पे आजमगढ़ को माना जाता है, उसी आजमगढ़ के लोगों के बीच आज मुझे फख्र है कि पार्टी ने मुझ पे एक बार फिर यकीन भरोसा करके भेजा है और मैं पार्टी को और आजमगढ़ के जनमानस को अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं कि उनकी हर उम्मीद को पूरा करने का अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूंगा। आजमगढ़ के निरहुआ जी को चूंकि वो कलाकार हैं, दूसरे क्षेत्र से राजनीति में आए हैं, उनके सामने जो एक परंपरा रहती है कलाकार की, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को वो चलाते हैं या चलते हैं उस पर उनको शायद अंदाज नहीं है। मैंने इतनी देर से आपसे कह रहा हूँ, स्वर्गीय राम बच्चन जी से शुरू करिए, माने अखिलेश यादव जी तक चले आइए, वो समाजवादी शानदार परंपरा है। हम समाजवादी लोगों ने न कभी आजमगढ़ को छोड़ा था न कभी छोड़ने वाले हैं, ये इस बात का एहसास उनको नहीं हो सकता है क्योंकि वो राजनीति स्क्रिप्ट के आधार पर शायद करते होंगे, दिल से राजनीति जज्बातों से राजनीति उन्होंने नहीं की। पूरी तरह से आर्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा पीडीए का फार्मूला है, इंडिया गठबंधन को जिताने का फार्मूला है, एनडीए को जो हराने का फार्मूला है, उसी फार्मूले पर चल के आजमगढ़ की सरजमी से जहां अक्सर समाजवादियों को एक तरफा समर्थन मिला है, आज भी जो हम बैठे हैं तो हमारे दसों विधायक हैं, आड़ी जमाली साहब की कमी थी, मुझे फख्र और गर्व इस बात का है इस चुनाव में वो भी कमी पूरी हो गई और आज उनकी भी दुआएं आज हमारे साथ हैं। मुझे यकीन है कि न केवल आजमगढ़ सदर
बल्कि बगल की लालगंज की लोकसभा भी एक तरफा समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत की जाएगी। मुझे याद है सज्जन नेताजी का 2014 का चुनाव आप सबको भी याद होगा, जिस हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लाए, इसी हवाई अड्डे पे 14 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार उतरे। मुझे वो दिन भी याद है, सठियाओं की चीनी मिल का शिलान्यास हुआ था, उस कार्यक्रम में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था। मुझे वो दिन भी याद है जब सठियाओं की चीनी मिल के उद्घाटन में सज्जन नेताजी आए थे, तो जहाँ चीनी मिल का तो उद्घाटन किया ही था, शिलान्यास किया ही था, वहीं इस हवाई अड्डे का भी उद्घाटन से लेकर सारी चीजें पूरी हो गई थी। अगर मुझे सही याद है तो आजमगढ़ की मुझे याद है कन्या विद्याधन की योजना की शुरुआत आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसी हवाई अड्डे से उतर के और हवाई अड्डे के बगल में एक विशाल पंडाल लगा के उसकी शुरुआत की थी आजमगढ़ के भाइयों, आपको याद होगा। तो जो लोग कहते हैं कि काम किया है, जो काम 10 साल पहले हो चुका है, अगर उसी के ऊपर पत्थर लगाना हो, उसी के ऊपर उद्घाटन लगाना हो सकता है बीजेपी के लोग जाने किन किन इमारतों पर, जो जाने कब की बनी हो, उनके ऊपर भी पत्थर लगा सकते हैं। इसलिए मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। आजमगढ़ के लोग जानते हैं कि समाजवादियों ने आजमगढ़ के लिए, और समाजवादी इस बात को महसूस करते हैं कि आजमगढ़ के लोगों ने उनके लिए क्या किया। यहाँ हमारी पूरी समाजवादी पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी, हमारी पार्टी का संगठन, हमारे 10 विधायक, हमारे माननीय MLC, लोगों ने लगातार सेवा की है पार्टी की, इस क्षेत्र की जनता की। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं आपको यही यकीन दिलाता हूँ, बदायूं में भी घर बना के रहा हूँ और आजमगढ़ में भी मेरे आने से पहले घर बन रहा है, और उसी घर में रह के इस क्षेत्र के लोगों की जो सेवा की आवश्यकता होगी वो करेंगे। और आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ, क्षेत्र की तो सेवा करेंगे, साथ ही आजमगढ़ के लोग केवल स्थानीय राजनीति नहीं करते, आजमगढ़ के लोगों की नजर देश और प्रदेश की भी राजनीति पर बहुत रहती है। तो मैं आजमगढ़ वालों को यह भी यकीन दिलाता हूँ, जो उनकी क्रांतिकारी तेवर है, जो उनका राजनीति में मान सम्मान स्वाभिमान और गौरव है, उस गौरव को यहाँ से लेके देश की संसद तक बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखूंगा, ये मैं आजमगढ़ वालों को भरोसा दिलाता हूँ। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मासूमों की जान गई, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये बीजेपी के लोग जो बात करते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर संभाल रखा है, ये सवाल उनसे करने की जरूरत है। होली का त्योहार पूरे देश में बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली को मनाते हैं। पहले के समय में फूलों के अर्क का उपयोग करके रंगों को बनाया जाता था, लेकिन बीते कई दशकों से केमिकल के उपयोग से रंगों को बनाया जा रहा है, जो शरीर को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। खास तौर पर स्किन को इन रंगों से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में होली के दिन स्किन का ध्यान रखना जरूरी है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि रंगों की वजह से स्किन पर कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इससे बचाव कैसे करें। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमान राय ने बताया कि होली के कुछ रंगों में खतरनाक रसायन जैसे एंडोटॉक्सिन और भारी धातु जैसे शीशा होता है, जो संभावित रूप से मध्यम से गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बनता है। रंगों में मौजूद ये केमिकल स्किन पर कई प्रकार की बीमारियां कर सकते हैं। ऐसे में होली मनाते समय कोशिश करें कि केवल गुलाल, चंदन या फिर हर्बल रंगों का ही इस्तेमाल करें। अगर पहले से ही स्किन की कोई समस्या है तो चेहरे पर किसी भी प्रकार का रंग न लगाएं। इससे मौजूदा परेशानी और भी बढ़ सकती है। होली मनाने जाने से पहले स्किन पर नारियल तेल या ऑलिव ऑयल की मोटी परत जरूर लगा लेनी चाहिए।
रंग लगाते समय मुंह बंद रखने की कोशिश करें। रंग आपकी आंखों के अंदर न जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। होली खेलने से पहले और बाद में त्वचा को बार बार मॉइस्चराइज करें। स्थायी रंगों को हटाने के लिए चेहरे को रगड़ने से बचें और साबुन के प्रयोग से बचें। स्किन को पीएच संतुलित साबुन और मॉइस्चराइजर से ही साफ करें। किसी भी प्रकार के साबुन से बचें, क्योंकि वे एलर्जी को और खराब कर सकते हैं। अगर स्किन पर कोई भी परेशानी महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। होली रंगों का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, तो इस त्यौहार को प्रेम की भावना से खेलें और त्यौहार मनाते समय, रंग का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां भी बरतें। जैसे कि मार्केट में जो केमिकल रंग उपलब्ध हैं, केमिकल हानिकारक केमिकल वाले रंग हैं, उनका प्रयोग करने से बचें। कोशिश करें कि सूखे रंग का प्रयोग करें, हर्बल कलर का प्रयोग करें और गीला रंग लगाने से परहेज करें, क्योंकि केमिकल के साथ जब पानी मिल जाता है तो वह रंग और भी हानिकारक हो जाता है शरीर के लिए। ज़्यादा केमिकल युक्त रंग लगने से शरीर में चकत्ते बनते हैं, एलर्जी होती है, रिएक्शन होता है, तो उनसे बचाव के लिए सूखे रंग से होली खेलें, गले मिले, भाईचारे से रहें। और यह तो प्रेम का त्यौहार है तो इसको उसी भावना के साथ खेलें। गुलाल अबीर और जो सूखे रंग हैं उन्हीं से रंग खेलें। केमिकल वाले रंग अगर लग गए हैं शरीर पर, चमड़े पर, तो उनसे एलर्जी होती है, जलन होती है, चकत्ते बनते हैं, तो उनसे भी उनका सही इलाज करें। उसको अपने मन से क्रीम लगा करके और तमाम तरह की मार्केट में उपलब्ध इलाज न करें, किसी डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करें और रगड़ करके रंगों को न छुड़ाएं। रंग जो लग जाते हैं उनको जबरदस्ती रगड़ करके लोग छुड़ाने का प्रयास करते हैं, उससे त्वचा और भी ज़्यादा खराब होती है, तो इसका भी ध्यान रखें। रंग तो लग भी गया है तो धीरे धीरे छूट जाता है, और अगर ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है, जलन है, खुजलाहट है, तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर के उसका इलाज करें। तत्काल क्या उपाय करना चाहिए? तत्काल अगर जलन हो गई है तो कुछ नारियल का तेल या फिर कुछ इस तरह का मॉइस्चराइजर वाली क्रीम लगा करके तुरंत उसको ठंडा कर सकते हैं, और बाकी फिर स्टेरॉयडल क्रीम भी कुछ आती हैं जिनको लगाया जा सकता है, लेकिन वह क्रीम आप किसी की सलाह से ही लगाएं। रंग खेलने के पहले क्या उपाय करें? रंग खेलने से पहले अगर आपको एक तो सूखे रंग खेलें, और अगर आपको लगता है कि नहीं गीला रंग ही खेलना है, तो शरीर पे तेल लगा लें। तेल लगाने से क्या होता है कि रंग पूरी तरह से त्वचा में नहीं जाता है, और उसके बाद आप जब स्नान करते हैं तो वह रंग जल्दी छूट जाता है। चेहरे पे अगर रंग लग जाता है तो उसमें क्या दिक्कत होती है? चेहरे पर रंग अगर लग गया तो उसमें आपको त्वचा में जलन हो सकती है, खुजलाहट हो सकती है, चकत्ते बन सकते हैं, और चमड़ा लाल हो सकता है, आँख में रंग जाने से भी उसका नुकसान हो सकता है, तो ये सब सारी समस्याएं होंगी उसमें। लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अब होली खेलते समय अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि होली खेलने में, हुड़दंग में बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, चोट लग सकती है, तो अपने परिवार के साथ मिलजुल करके रंग खेलें और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, नशा ना करें, नशे में होली ना खेलें। दलित के साथ मारपीट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को 3 वर्ष के कारावास तथा 9,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश जैनेन्द्र कुमार पांडे की अदालत ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार सुराती देवी पत्नी एकादशी निवासी आजाद नगर थाना मुबारकपुर की पुत्री 8 अक्टूबर 2000 सुबह 7 बजे घर के सामने बबूल के पेड़ से दांतून तोड़ रहे थे। तभी गांव के ही बहादुर चौहान पुत्र रामकुमार चौहान तथा इंकलाब पुत्र इश्तियाक अहमद जाति सूचक गाली देते हुए रीता तथा सुराती को बुरी तरह से मार पीटा। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों की विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी,
इंद्रेश मणि त्रिपाठी ने 5 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बहादुर चौहान तथा इंकलाब को 3-3 वर्ष के कारावास तथा 9,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वह पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा संयुक्त रूप से गुरुवार को होली के त्योहार, रमजान माह एवं लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के दृष्टिगत थाना निजामाबाद एवं अतरौलिया थाना में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को सभी बूथों का निरीक्षण कर पेयजल, सफाई, विद्युत व्यवस्था, रैंप, शौचालय आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर खिड़की, दरवाजा, स्कूल की बाउंड्री वाल आदि को ठीक करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक कर विवादित स्थानों पर जाकर अवांछनीय तत्वों को चिन्हित कर 107-116 में पाबंद किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों के सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण किया जाए। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने इसके पश्चात थाना अतरौलिया का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि थानाध्यक्ष ग्रामों में भ्रमण कर जारी किए गए लाइसेंसी शस्त्र धारकों की जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि तत्काल लाइसेंसी शस्त्रों को जमा कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि खुराफाती, दबंग एवं अराजक तत्वों को चिन्हित कर पाबंद किया जाए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय भीलमपुर का निरीक्षण कर बीएलओ से पिछले चुनाव की मतदान प्रतिशत की जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने बीएलओ को पिछले वोट प्रतिशत से आगामी निर्वाचन में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बूथ पर आए हुए लोगों से जानकारी प्राप्त किया तथा कहा कि यदि कहीं भी कोई व्यक्ति वोटिंग के लिए धमकाए डराए तो तत्काल डायल 112 पर कॉल कर सूचित करें। उन्होंने कहा कि गोपनीय पत्र लिखकर भी जानकारी दे सकते हैं। शिकायतकर्ता का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर 100% मतदान करें। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड पीयू हाफ एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल थ्री व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, अ सीबीएसई बोर्ड कोएड इंग्लिश मीडियम स्कूल, अ प्लेस फॉर योर लवली किड्स इन योर नियर बाय विसिनिटी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल फोकसेस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एकेडमिकली, साइकोलॉजिकली एज वेल एज फिजिकली। It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. Niswa Girls College Paharpur Azamgarh ke sabse purane colleges mein se ek hai jo 1938 se vigyan, vanijya, kala ke kshetra mein utkrisht shiksha pradan kar raha hai. इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और NEET की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशन के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स,
एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल निया आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर, आजमगढ़। अफिलियेटेड टू सीबीएसई। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लासेज नर्सरी टू 9 एंड 11, जहाँ है हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एडवांस लैब्स, मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी, ह्यूज प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस, सेपरेट ग्राउंड फॉर प्री नर्सरी, सेपरेट क्लासेस अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, म्यूजिक, स्मार्ट क्लासेस एंड मेनी मोर फैसिलिटी अवेलेबल।